नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। केरल में सियासत के रक्त चरित्र का एक और गंदा चेहरा सामने आया है। तिरुवनंतपुरम में कल देर रात आरएसएस के कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 6 हमलावरों ने धारदार हथियार से संघ के कार्यकर्ता पर 15 जानलेवा वार किए, उसके हाथ भी काट डाले। बीजेपी ने हत्या के पीछे बताया है सत्ताधारी सीपीएम का हाथ। आरएसएस कार्यकर्ता के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे केरल में बंद का ऐलान किया है। आरएसएस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियारों से 15 जानलेवा वार, संघ कार्यकर्ता का काटा हाथ। केरल में सियासत का रक्त चरित्र, बेरहमी से हत्या की गवाही दे रहा है सड़क पर बहा खून का यह तालाब। तिरुवनंतपुरम के श्रीकार्यम इलाके में इसी बाइक पर अपने घर लौट रहे थे आरएसएस कार्यकर्ता राजेश। 34 साल के राजेश शनिवार रात 10:30 बजे आरएसएस की शाखा से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको 6 लोग मिले जो सत्ताधारी सीपीएम के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन लोगों के साथ राजेश की कुछ झड़प हो गई। इसके बाद 3 बाइक पर सवार उन लोगों ने संघ कार्यकर्ता राजेश का पीछा किया और तेज धारदार हथियारों से राजेश पर किया ताबड़तोड़ जानलेवा वार। हमलावरों ने राजेश के हाथ को काट डाला और उस पर 15 वार किए। कुछ ही मिनट में आसपास के लोगों ने बुरी तरह लहूलुहान राजेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही राजेश ने दम तोड़ दिया। बीजेपी ने हत्या के लिए सीपीएम कार्यकर्ताओं को कसूरवार ठहराया है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई थी। बीजेपी के 3 पार्षद के घरों में भी तोड़फोड़ हुई, जिसके लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर सीपीएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस किया है। So we demand the chief minister who is holding the home portfolio to come clean on all these issues and under his rule the state capital is becoming a place where criminals can have a free for all. We feel that this should be put an end to. केरल में आरएसएस, बीजेपी और सत्ताधारी सीपीएम के बीच लंबे समय से खूनी संघर्ष चल रहा है। केरल में विचारधारा की जंग अब सियासत के रक्त चरित्र में बदल चुकी है। गोपी कृष्णन, तिरुवनंतपुरम आज तक।